हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये नोटिफिकेशन एचएसएससी सीईटी की तरफ से है। जैसा कि आप जानते हो, सीईटी में ग्रुप सी की परीक्षाएं होने वाली हैं और जो 13 ग्रुप की परीक्षाएं पहले होंगी ये 24-25 जून से स्टार्ट हो जाएंगी और इनके जो 4 गुना कैंडिडेट्स हैं इनकी जो लिस्ट है वो आज जारी हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि एचएसएससी ग्रुप सी के 13 पदों की आज जारी करेगा 4 गुना उम्मीदवारों की सूची, मतलब जिनके एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, वो कैंडिडेट्स उन कैंडिडेट्स की जो सूची है वो आज जारी हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है पूरा मामला। यहाँ पर आपको बताया गया अभी एचएसएससी ने 13 ग्रुप सी के 13 पदों के लिए 4 गुना कैंडिडेट्स की जो सूची है वो गुरुवार को जारी कर देगा और उसके लिए डार्क एक पोस्ट है, डार्क रूम अटेंडेंट के 3 पदों के लिए लगभग 46,000 लोगों ने आवेदन किया है, मगर आयोग ने 3 पदों के लिए 15 उम्मीदवारों को ही बुलाया है। एक वैकेंसी है यहाँ पर डार्क रूम अटेंडेंट की, वहां पर 3 वैकेंसी है केवल और 3 के लिए 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया है। 15 लोगों का ही एडमिट कार्ड जारी होगा और इसके लिए जो आवेदन किया है वो 46,000 लोगों ने किया है, तो यहाँ पर केवल 5 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 46,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। चूंकि पब्लिक नोटिस में 13 ग्रुप की परीक्षाओं के लिए सभी आवेदकों को बुलाने के लिए सूचना दी गई थी, इसलिए डार्क रूम अटेंडेंट के लिए काफी उम्मीदवारों ने सूचना भेजी है और इन पदों के लिए निम्नानुसार उम्मीदवारों को बुलाना चाहिए, न कि सभी आवेदकों को। तो जो सीईटी पास सभी आवेदक को नहीं बुलाया जा रहा है, केवल 5 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा इस भर्ती के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहले भी यहाँ पे आपको पता है भाई 13 ग्रुप कौन कौन से हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डार्क रूम अटेंडेंस। तो इन 13 ग्रुप की परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं और यहाँ पर केवल 4 या 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जिनकी वैकेंसी 40 से नीचे है उनको 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जिनकी वैकेंसी 40 से पदों से ऊपर है उनके लिए 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और ये सूची आज जारी कर दी जाएगी कि कौन कौन परीक्षा में बैठने वाला है, कौन किस परीक्षा को देगा। तो ये तो था सीईटी ग्रुप सी से रिलेटेड। अब यहाँ पर देख सकते हो आप फाइन आर्ट्स के 1700 पद पर वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर 527 ही आवेदक हैं, यानी कि जो न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे इन्हें दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर टीजीटी फाइन आर्ट्स में सभी का सिलेक्शन हो सकता है, 1700 पद हैं और 527 ही आवेदक हैं। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए जो पोर्टल है वो 2-3 दिन में खुल जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका जल्दी होगा, तो 30 जून तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जल्दी ही पोर्टल खुलने वाला है और 30 जून से पहले सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद ही फाइनल जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो टीजीटी के आंसर की आज या कल में अपलोड हो सकती है और होम साइंस को छोड़कर अन्य में मिलेंगे 1-1 या 2-2 मार्क्स। तो जल्दी ही टीजीटी की जो आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी और होम साइंस में कोई भी उत्तर गलत नहीं है तो यहाँ पर उन्हें कोई भी अंक नहीं मिलेगा। बाकी जो इतने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन गलत हैं तो उनके उत्तर बदल दिए गए हैं और उन्हें 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। दस्तावेजों की बात करें तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो 2 गुना कैंडिडेट्स को ही दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो केवल 2 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, जो भी मतलब पास करेंगे उनके 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर आपको जैसे पता है पुलिस सिपाही की जो वैकेंसी है, 6000 वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है और ना ही उनके जो भर्ती नियम है वो अभी तक आयोग के पास पहुंचे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो हरियाणा सरकार का काम तेजी से चल रहा है। इसका नमूना हरियाणा पुलिस के पुरुष सिपाही 5,000 और 1,000 पदों की वैकेंसी पहले ही घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी भर्ती प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हो हरियाणा सरकार को पुलिस भर्ती के नियमों में संशोधन करना है और यह संशोधन मामूली सा है, मगर कई महीनों में ये संशोधन अभी तक नहीं हो पाया है और एचएसएससी आयोग ने इन संशोधित नियमों का इंतजार कर रहा है ताकि वो विज्ञापन को पदों का विज्ञापन जारी कर सके। और जो क्योंकि जो कि युवा है वो
वो इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का, लेकिन यहाँ पर अभी तक नियम ही नहीं भेजे गए हैं, तो इस भर्ती में लेट हो सकता है, ये भर्ती लेट हो सकती है। अभी तक जो युवा है वो इंतजार करते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर HSSC आज ग्रुप सी के लिए जो भी उम्मीदवार पेपर देंगे उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, तो आज अपनी लिस्ट देख लें। धन्यवाद, ऐसे ही खबरों के लिए फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।